फोन ही नहीं उठा, सो गया क्या? चला अनिको जल्दी उठ गई 5 बजे। मेरे बिना इनका काम होता ही नहीं है पूरा। बेटा सारा काम छोड़ के जा रहे हैं। बेटा सारा काम करना, झाड़ू पोंछा सब। मैं घूम के सब देती हूँ। बाय। तो हम जा रहे हैं गाइस, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं पावागढ़ और निकल चुके हैं, 5:30 हो चुके हैं। बस अब हम निकल ही रहे हैं जल्दी जल्दी। ये देखो तन्नु भी आ गया, मज्जी आ गई। हम मिलेंगे पावागढ़ में। कैसे लग रहे हम? अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बाल गीले फोटो सेशन। डुगू को देखो, डुगू तो सुबह से 4 बजे से उठ गया, उसको पै पै हो गया, कहीं जा रहे हैं। छोटू चले गए ना? हाँ, उसको ऐसा लग रहा है छोटू को नहीं जानी चाहिए। छोटू चले गए ना? छोटू नहीं जानी चाहिए उसके लिए तो। अनिकू दीदी, इसको ड्रोल्स खिला देना अभी। डुगू डुग्स, आ गई हमारी रिक्शा। सिया चल, सिया आजा जल्दी। कहाँ क्या कर रही है? निकल ही रही। चलो चश्मे, ये रहे मेरे हाथ में, ये रहे। तो यहाँ पे रैपिडो रिक्शा बुक कराई थी, निकल पड़े हम घर से। ये है मॉर्निंग की आरती मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो गाइस आप भी सुनिए सावन महीने की आरती। छः बजने वाली है ना, सुबह की 6 बजने वाली है मॉर्निंग की। 6 बज गए हैं मतलब। तो गाइस जैसे आपको पता ही चल गया होगा, हम जा रहे हैं पावागढ़ और सुबह के 6:15 बज रहे हैं। और बस स्टैंड पे देखो कितनी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा, सुबह से लोग चालू हो जाते हैं। तो हमारी बस भी आ गई थी 6:15 बजे और सीट भी मिल गई थी हमको, क्योंकि हमने बुकिंग करा रहे थे रात को। तो फिर ना हमने कहा कौन कौन जाएगा, तो जल्दी जल्दी में बुकिंग नहीं कराया, तो यहीं पर आके हमने टिकट खरीदा है। और यहाँ पर हम सब आ गए, तन्नु, अंशु, उसकी मम्मी और खाली निक्कू और अज्जू घर पर, और डुगू, बाकी हम सब आ गए थे। हमने कहा वैकेशन में जाना ही था हमको, तो सोच रहे थे, तो इतनी गर्मी थी ना, जा नहीं पाए। और ये तो कितनी नींद आ रही थी ना, हम लोग सब सो गए थे घोड़े बेच के गाड़ी में। और ये सुबह के 8:30 हो रहे होंगे, तो चाय के लिए गाड़ी रुकी थी, चाय पीने के लिए, जिसको चाय कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि सुबह 6:15 बजे से जल्दी जल्दी 8:30 हो चुके थे, तो रुकना भी पड़ता है गाड़ी को। तो यहाँ पर जिसको फ्रेश होना था वो दिख रहे हैं ये लोग। चाय पी लो उनको, चाय कॉफी पी लो। बाप रे बाप, कितनी भीड़ है आज तो, जबरदस्त भीड़ है। शाम को भी ऐसी होगी क्या भीड़? सख्त भीड़ है आज। किधर जाना है हमको? सीए कहाँ जा रही है? यहाँ पे हम खा रहे हैं खिचू। मेरे को खिचू कैसा होता है? क्या खाना है? कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। इतना पावागढ़ इतनी भीड़ है ना, वीडियो भी नहीं बना सकते, बहुत भीड़ है, हद से ज्यादा। और गर्मी तो देखो और बहुत ज्यादा। क्या खाना है जल्दी जल्दी हो ना, ऊपर जाके खाते हैं। हाँ, ऊपर जाके वो मकई अमरूद में क्या हो गया? आप तो नहीं खा रहे थे, सब थक गए, सबकी हालत खराब हो गई। पावागढ़ पहुंच के हमने थोड़ा नाश्ता किया और 11:30 बज गए थे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बहुत दूर का सफर है, 3-4 घंटा आराम से लग जाता है बस में। तो गाड़ी, अपनी गाड़ी लेके जाओ तो थोड़ा कम लगता है, तो बस में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। यहाँ देख सकते हो कितनी पहाड़ियाँ, हर जगह पहाड़ी नहीं, लेकिन जब पावागढ़ आते हैं तभी पहाड़ी आती है। और माता जी का मंदिर बहुत ऊंचाई पे है, तो चढ़ते चढ़ते ना बहुत
थक गए थे, मतलब सांस फूल रही थी, गर्मी थी ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी, हो भी रही थी, बंद भी हो रही थी, इस तरह से था। और बारिश हो रही थी सुबह में तो बहुत गर्मी हो गई थी यहाँ पे भी, और हम चढ़ते चढ़ते इतनी ऊपर आ चुके हैं। आज बहुत भीड़ है, नहीं बहुत भीड़ है यार, गजब। पर आज कंपैरेटिवली बहुत जल्दी चढ़े हाँ। डू स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग लेनी ने देख रहे चला वो, हम वहाँ से आए इतने नीचे से अभी दिखेगा यहाँ से। लोग कितना गंदा करते हैं, बहुत कचरा करते हैं, अच्छी जगह का नाम अब नहीं है चलने के लिए इतना ज्यादा, अब सीढ़ियाँ कम है, आने तो अच्छा है, बारिश आ गई अब सीढ़ियाँ भी कम है, पानी नहीं। तो गाइज बहुत गर्मी थी, पसीने से हालत ख़राब हो गई थी, देखा होगा कपड़े कैसे भीग गए थे। तो यहाँ पे देखो फूल कितने से सजा रखे ना बेचने के लिए, माला के लिए, माता जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो फूल भी खरीद लेते हैं थोड़े से। और यहाँ पे घाट है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे सब लोग घाट में आके फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये ऊपर ही है, मतलब इसमें पानी आ ही जाता है, ऊपर ही है ये, कितना ऊपर है ये माता जी का मंदिर, वहीं पर घाट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं घाट में दर्शन करने के लिए। मछलियाँ भी है बहुत सारी, घाटी बहुत बहुत हवा चल रही है, मंदिर यहाँ से हो रहा देखो, बहुत जोर से हवा चल रही है। हाँ अब मंदिर वो दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा छोटू मंदिर पूरा सामने, ये मंदिर यहाँ जाना है अभी हमको, बस अब हम पहुँच गए, बस अब पहुँच गए, इतना दूर नहीं है। बारिश चालू हुई है थोड़ी थोड़ी छोटी, और वो वाला घाट दिखा, वो वाला मछली, मछलियाँ देख इसके अंदर, मछली देख, मेंढक की मछलियाँ हैं, मछलियाँ हैं, एक मशीन दिखाओ सारी दुनिया तो करती है। और ये बारिश शुरू, बारिश शुरू हो गई है। हमने माता रानी से बोला था माता रानी बारिश दे देना प्लीज, और माता रानी ने बारिश दे दी। पता नहीं इसमें दिख रहे, मुझे नहीं पता फोन पे दिख रही है नहीं दिख रही है, गेंडा ऊपर क्या फोन पे ली टुकड़ी जीव से भाई नान पर मावा फोटो वो पड़ गया जुगलू तो कौन तो ये खाते हैं। हां हमारा डॉग डुगू भी खाते हैं, खिला रखा है उसको मक्के की लड़की। हां हमें डुगू को भी मक्के खिला, इसको बॉईल करके खिलाएंगे ना। हाँ बॉइल करके। तो गाइस चढ़ते चढ़ते पूरी चढ़ाई चढ़ गए थे, क्योंकि मेरी शाम की टिकट भी थी 6:30 बजे की, और हमें जल्दी चढ़ के उतरना भी था नीचे, तो हम बहुत फास्ट एंड फास्ट चले थे, ज़्यादा रुके नहीं है कहीं पे। और यहाँ पे ले रहे थे तन्नु अंश के लिए घड़ी, तो मैं बोली थी यहाँ से क्यों ले रही है, आगे से घर से उधर मार्केट से ले लेंगे, तो उसको यहीं से लेनी थी। तो यहाँ उसने घड़ी परचेज करी, और ये खा रहे थे भूंगड़ा, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब हम ज़्यादा रुके नहीं है, इस बार चलते गए चलते गए, 1.5 घंटे में तो हम पहुँच। ले ली घड़ी, थोड़ा रास्ता स्टार्टिंग में तो होता ही है ना। हाँ तो दूसरी देख ले। तो फाइनली गाइस घड़ी ले ली है, उसके बाद हम आगे प्रसाद काउंटर पे, यहाँ प्रसाद खरीद रहे थे, बहुत सारा प्रसाद है यहाँ पे, तो बांटना भी होता है सबको, तो लेना जरूरी होता है, ज़्यादा भी लेते हैं क्योंकि सबको पता होता है पावागढ़ जा रहे हैं, तो माता जी का सबको प्रसाद देना पड़ता है। और यहाँ इतनी भीड़ है ना गाइस, पैरों रखने की जगह नहीं थी, तो आगे ना दर्शन के लिए बंद कर दिया था, तो वहाँ बाहर वेटिंग था, तो हम लोग बाहर ही खड़े थे जब तक दूसरे लोग दर्शन नहीं करे। इतनी भीड़ थी ना पूछो मत, क्योंकि सावन का महीना भी चालू हो रहा है, तो लोग ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और माता जी के दर्शन तो हर कोई करता है, तो यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, दूर है भले ही बहुत दूर दूर से आते हैं, माता जी हर किसी की मुरादें पूरी करती है। तो यही हमारा भी है, हमारा भी कुछ पूरा हुआ है, तो हम भी साड़ी लेने आए थे माता जी के लिए, तो यहाँ पर हम साड़ी परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड एंड ग्रीन जो आपने पहले देखी थी ना। हाँ ये भैया ये वाली साड़ी दो, ये मन बेबी दीदी इस तरफ, बेबी दीदी ये कर दो पल्लू
6 साल ये पैक कर दो इसे, ये पैक कर दो है ना, सही है ना, बहुत प्यारी है। तो फाइनली गाइस हमने साड़ी ले ली है माता जी के लिए और हम चढ़ाएंगे। और इतनी भीड़ थी ना, हमारा नंबर ही आना मुश्किल था। इतनी भीड़ में अच्छे से दर्शन तो हो गए थे मगर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी। इतने श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अभी सावन का महीना में तो ज़्यादा ही आते हैं। तो गाइज़ आप भी दर्शन कर लीजिए काली माता जी की, और हमने तो कर लिए बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। वीडियो बनानी ज़रूरी नहीं थी, वहाँ पे नहीं बनाई, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं माता जी का रूप, और यहाँ पे ये रूप के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। माता जी हर किसी की मुरादें पूरी करती है, बहुत श्रद्धा होती है सबकी माता जी पे, और माता जी अपने श्रद्धालुओं को निराश भी नहीं करती है। और यहाँ पे प्रसाद खाना भी ज़रूरी होता है, हमने खा के यहाँ पे दर्शन करके फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हमको अंदर से एक डिब्बी सिंदूर की दी अंदर से माता जी की। तो यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे, यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया एक आधा घंटा, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े थे घर की तरफ क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी था, और क्योंकि 6:30 बजे की हमारी गाड़ी है और भीड़ तो बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। और संडे को ऐसा ही होता है, गाड़ियाँ सब जो प्राइवेट होती है ना वो सब बंद करी होती है, सरकारी गाड़ियाँ ही चालू होती हैं। तो उसके भी हमें वेट करना था नीचे क्योंकि हमें गाड़ी में बैठ के स्टैंड पहुँचना था बस स्टैंड पर। तो निकल उतरते उतरते भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतनी गर्मी में यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी माता जी की श्रद्धा होती तो चढ़ ही जाते हैं। माता जी के जो काम करने जाते हैं माता जी वो काम पूरा कर देती हैं। तो हम भी चढ़ गए थे और मंजू भी चढ़ गई थी, उतर भी गए थे हम, और देख सकते हैं बहुत अच्छा मंदिर है माता जी का। कभी अहमदाबाद या गुजरात आओ ना गाइज तो यहाँ माता जी के पास ज़रूर आना, माता जी बहुत ही श्रद्धा रखती है अपने श्रद्धालुओं पे। और यहाँ पे देखिए हम लोग उतर रहे थे धीरे धीरे करके, भीड़ भी इतनी थी ना, ऐसे नीचे उतरने में थकान नहीं लगती लेकिन तो भी बहुत थक चुके थे हम लोग। फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं, आ गए हैं बस स्टैंड पे। आसमान में बादल देख सकते हैं, ऐसे बादल छा रखते जैसे अभी बारिश होगी, हो ही नहीं रही थी गर्मी से हालत खराब थी, तो भी ऊपर तो बहुत ठंडा था, हवा चल रही थी बहुत चोटी पर जाके। तो यहाँ पर हमारी बस बुक है और हमें जाने बस का टेंशन नहीं है, बुक थी और हमें पहुंचना था टाइम पे, तो हम पहुंच चुके हैं अपने टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक बास्केट, मैं सुबह जब यहाँ उतरी थी ना मैंने एक बा को बोला था कि ये मेरे लिए रखना मैं आऊँगी, तो फिर मैंने आते ही उनसे एक बास्केट। ये क्या है, व्हाट इज दिस? टोकरा, ये है रोटी रखने के लिए, ये मैंने परचेज करी है, इसमें रोटी रखूँगी मैं। और पावागढ़ आए थे तो उसकी एक यादगार तो ले जानी चाहिए ना, मैंने ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? सांप निकलेगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, वहाँ पे हमने खाना खाया। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो टाटा बाय बाय।